असलम एवरी वन वेलकम टू करियर कैम्प आज हम जिस चीज़ की बात करें उसकी आजकल बहुत धूम मची हुई है एवरी वन वांट्स टू बी ए सॉफ्टवेयर डिवेलपर येस तो जो सॉफ्टवेयर डिवेलपर है वट इट इज़ एक्चुअली अबाउट अगर आप वो बनते हैं इस सॉफ्टवेयर डेवलपिंग की अगर आप फील्ड में आते हैं व्हाट स्किल्स डू यू नीड आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और आपका जो एजुकेशनल वो है जर्नी है वो किस तरह का होगा और इवन करियर का आगे भी वो हम आज आपको इस आ, वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे तो आई होप आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कुछ गाइडेंस मिलेगी और अब बहुत ढेरों यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी और बाहर भी जहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं इस डिग्री के लिए अब ज़्यादातर जितनी भी टेक्निकल हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर ये डिग्री जो है वो ऑफ़र की जा रही है जैसे कि नस्ट है और यू वगैरह में और पी है मतलब जितनी भी सारी ये वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं मैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं भी ले पा रही हूँ लेकिन वो सारों में ये हो रहा है कराची लाहौर इस्लाह एवरी बिग सिटी हैज़ ए यूनिवर्सिटी जहाँ पर ये डिग्री करवाई जा रही है नाओ गोइंग फॉरवर्ड टू वट इज़ सॉफ्टवेयर डिवेलपिंग अगर हम उसकी बात करें आपको इस तरह से समझ लो कि सॉफ्टवेयर डिवेलपिंग एक बड़े मज़े की फील्ड है इफ़ यू आर इन टू मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंसेस तो यू गेट टू बिल्ड सम अमेजिंग सॉफ्टवेयर गेम्स प्रोग्राम्स या फिर वेबसाइट्स येस तो आप कोडिंग के थ्रू और वेब डिवेलपमेंट के थ्रू आप ये सारे काम करते हो जिसमें आपको जैसे मैंने अभी बताया आप गेम्स बना सकते हैं आप डिफरेंट ऐप्स बना सकते हैं आप वेबसाइट्स बना सकते हैं यू कैन रन देम वेरी सक्सेसफुली तो अब जो डिजिटल हमारा जो सारा एरा अभी चल रहा है वो इसी बेस पे इतनी तरक्की हुई हुई है और अब आगे तो और भी ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई हुई है तो अब तो बहुत मतलब जो फ्यूचर प्रोडक्ट किया जा रहा है वो नहायत टेक्निकल और जदीद जिसको हम कहते हैं वो सब कह रहे हैं कि वैसे होगा तो अगर आप भी इस चीज़ में आना चाहते हैं यू हैव नैक फॉर इट कि आप uh, को कंप्यूटर्स के uh, काम करना पसंद है सॉफ्टवेयर्स का और ये वाली चीज़ें एंड यू आर गुड एट मैथ्स तो आपके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है मैथ्स के जिक्र किया तो मैथ्स वन ऑफ़ दोज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो अगर आपने इस तरफ आना है तो आप मैथ्स का आपका बैकग्राउंड भी होना चाहिए और आगे भी आप जो है मैथ्स को पढ़ते हो जिसके थ्रू आप थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स uh, को सॉल्व करना सीखते हो और ग्राफिक्स को गेम्स को डेवलप कर लेते हो उसके थ्रू तो ये मैथ्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपका पार्ट प्ले करता है इट्स एक्चुअली अ बेस वन ऑफ़ द बेसिक सब्जेक्ट्स जो आपको सीखने होते हैं फिर हमारे पास आ जाते हैं कंप्यूटर साइंसेस तो अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है और आपने सब्जेक्ट उसमें कंप्यूटर रखा था इंस्टेड ऑफ बायो देन यू कैन प्रोसीड इन दिस करियर या फिर अगर आपने इंटर में भी कंप्यूटर रखा हुआ है अगर आपने मैट्रिक में नहीं भी रखा था आप इंटर में रख लें तो फिर आप इस फील्ड की तरफ आ सकते हो क्योंकि कंप्यूटर की जो कुछ बेसिक्स होती हैं वो फिर आप पीछे कवर कर जाते हो जब आप आगे जाते हो तो आपके लिए आगे का सारा कुछ समझना और आसान हो जाता है कंप्यूटर साइंसिस में सीखते हो कि हाउ अ कंप्यूटर इज़ एक्चुअली मेड उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो बेसिक उसका स्ट्रक्चर क्या है उसको बनाया किस तरह जाता है उसमें हार्ड ड्राइव सॉफ्ट ड्राइव सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरह से बनाया जाता है उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती हैं कोडिंग के थ्रू जो है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर लिखे जाते हैं और वो रन भी होते हैं तो ये सारी चीज़ें जो आप सीखते हो ये कंप्यूटर साइंसिस में सीखते हो फिर हमारे पास अगर एक और सब्जेक्ट की हम बात करें कि जो बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक सब्जेक्ट है आपने अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है तो वो है वेब डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट में आप क्या सीखते हो जी आपने सारा कुछ देख लिया एक तो होता है हमारे ऑफलाइन सॉफ्टवेयर्स होते हैं ऑफलाइन सॉफ्टवेयर आप कह लें कि जैसे एक्सेल है और हमारे पास नोट पैड्स हैं और इस तरह जो जो के जो फीचर्स हैं जो कि इंटरनेट की एक्सेस के बगैर भी हम बड़े आराम से यूज कर सकते हैं और कुछ होते हैं कि जो हमारे ऑनलाइन के लिए होते हैं जैसे हम गूगल सर्च पर है गूगल इंजन है और हमारे पास जितनी ऑनलाइन वेबसाइट्स है ये सारी कुछ वेब डिवेलपमेंट के अंडर आती हैं तो अगर आप वेब डिवेलपमेंट का कोर्स करते हो या उसका सब्जेक्ट भरते हो आपको उसके सारे बेसिक्स की समझ आ जाएगी और जब वो आपको समझ आएगी ऑब्वियसली देन यू कैन ओनली डेवलप वेबसाइट या फिर सॉफ्टवेयर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तो उसकी बेसिक समझना बहुत जरूरी होता है आप ये सब्जेक्ट भी पढ़ोगे देन अनादर थिंग यू विल बी लर्निंग इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो जैसे अभी हमने बात की थी कि आप सॉफ़्टवेयर कुछ तो चीज़ें होती हैं जो कि आप ऑफ़लाइन भी होती हैं हमारे पास लेकिन वो भी सॉफ्टवेयर में आती हैं सॉफ्टवेयर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आपकी जितनी एप्लीकेशन होती हैं जितनी भी कंप्यूटर बेस्ड आपकी सारी डाटा होता है या सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन सबको कवर करता है इसमें आप ए, ए, एक एग्जैक्ट स्क्रैप से लेकर एंड प्रोडक्ट तक सीखते हो कि उसका डेवलपमेंट किस तरह से होती है फिर उसको मेंटेन किस तरह किया जाता है फिर उसमें प्रॉब्लम्स या एरर्स किस तरह से ढूंढे जाते हैं और उनको मजीद बेहतर किस तरह बनाया जाता है ठीक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इस तरह से हेल्प करती है कि आप उसको मजीद कॉम्प्लिकेट प्रोग्राम्स बनाने में आपको मदद मिलेगी आप उसको यूज़ कर सकते हो अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती है तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप को उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना इजी होगा कि आपकी जितनी चीज़ें हैं वो सेफ़ हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एक वेबसाइट बनाते हो एंड इट्स वेरी इजी टू हैक तो फिर आपका जो काम है वो मे बी आप एक दो लोगों के लिए कर लो वो काम एंड इफ वो जब्रोटाइज हो जाता है तो वो आपकी हिस्ट्री में काउंट होगा इट दैट विल अफेक्ट योर सी ठीक है कि आप एक काम तो कर रहे हो बट इट इज़ नॉट सेफ इफ फॉर पीपल टू यूज इन अ लॉन्गर रन तो आपको इसकी भी चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है कि आप उसको भी सीखो ठीक है हाउ टू मेक योर वेबसाइट और सॉफ्टवेयर सेफर तो वो सिर्फ हैकिंग नहीं होती और भी बड़ी चीज़ होती है वो क्रैश ना हो जाए उसमें बग्स ना आ जाए अक्सर आप देखते हो कि आप अगर कोई एप्लीकेशन uh, इंस्टॉल करते हो तो आप वो uh, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ करीम की और ऊबर की ठीक है दे आर वन ऑफ द मेजर कंपटर्स जो हमारी कन्वींस सर्विसज में जो हमारे दो कम्पटर्स हैं वो ये हैं तो इनकी अगर बात की जाए आपको पता है ऊबर जो है वो भी बाहर का है करीम भी बाहर का है लेकिन जो मेरा पर्सनल यूज था कि स्टार्ट में ऊबर जो एप्लीकेशन होती थी डैट वॉज़ वेरी ईजी टू यूज़ वो ईज़ी टू यूज़ भी थी ठीक है आपको फ़ॉरन पता चल जाता था और वो अफेक्टिव थी एंड एफिशेंट थी इस हवाले से कि वो स्ट्रक नहीं करती थी या फिर आपको ऐसा नहीं होता था कि ड्राइवर आ गया है बट वो फिर भी वही लोकेशन दिखा रहे हैं तो इस उनके जो ये वाले चीज़ें थीं वो बहुत इफेक्टिव और अच्छी थी तो जिसके मतलब तो जो यूज़र एक्सपीरियंस था उसको वो बेहतर बना रहा है ना ये चीज़ उसका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था बट अक्सर मैंने करीम में ऐसे ट्राई किया है कि मतलब इट वाज हार्ड टू रिपोर्ट अ प्रॉब्लम और वो लोकेशन कहीं की दिखा रहे होते हैं बट कहीं और की कर लेते हैं तो ये वाले इश्यूज बहुत तो वो यूजर एक्सपीरियंस वहाँ पर आके थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाते हो तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूजर एक्सपीरियंस को देखता है और यूजर इंटरफेस को भी देखता है यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस में क्या फर्क है यूजर इंटरफेस आप कहते हो कि जब कोई भी एक आप वेबसाइट खोलते हो या एप्लीकेशन खोलते हो तो उसका लेआउट ठीक है अब जैसे हम फूड पांडा का खोलते हैं तो सबसे पहले हमारे उसके यूज़र इंटरफेस में सबसे पहले लेआउट में क्या आता है फ़ूड डिलीवरी की ऑप्शन आती है देन वी हैव पांडा मार्ट देन वी हैव पिकअप ऑप्शन तो ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑप्शन जा जाती है इट इज़ वेरी ईजी टू क्लिक वन ऑफ़ दोज और चूज़ वन ऑफ़ दोज तो ये जो यूज़र इंटरफेस पर सारी चीज़ें आती हैं कि जब भी कोई कंज्यूमर उस चीज़ पर आ रहा है तो हाउ एवरी थिंग इज प्लेस्ड एंड कन्वेड ठीक है और जहाँ तक यूज यूज़र एक्सपीरियंस की बात आती है वो फिर वो आता है कि वो कितना इजीली उस चीज़ को कर पाता है और ऑर्डर अगर वो प्लेस कर रहा है तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए अगर इफ़ ही वांट्स पिज्ज़ा यहाँ पर आइटम पाँच छः लिखी हुई है टाइप्स लेकिन उसमें अगर टॉपिंग्स या उसकी इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे हुए तो इट इज़ वेरी हार्ड टू डिफ्रेंशिएट कि कौन सा उसको पसंद आएगा या कौन सा नहीं आएगा और वही अगर लिखे हुए हैं तो यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा जाएगा ही कैन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू हिज लाइकिंग्स तो ये सारी चीज़ें यूजर एक्सपीरियंस में आती हैं अच्छा ये वाली फील्ड ना हमारे ग्राफिक डिज़ाइन में भी आ जाती है बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ठीक है फिर हमारे पास आ जाता है डाटा बेस डाटा बेस क्या होता है जी जब आप इतना सारा डाटा कलेक्ट कर लेते हो तो इसमें आप एक्चुअली सीखते हो कि उस डेटा को क्लेवरली इन अ बेटर वे हाउ टू स्टोर डेट उसको आप कैसे स्टोर करोगे और उसको कैसे बेहतर एफिशेंटली यूज़ किया जा सकता है तो ये सारी चीज़ें आप डेटा में इसमें सीखते हो फिर आपके पास आ जाती है कोडिंग प्रोग्रामिंग भी जिसको हम कहते हैं इसमें आप सीखते हो प्रोग्रामिंग सीखते हो कंप्यूटर लैंग्वेजेस सीखते हो कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या है या आप जब कंप्यूटर साइंसेस पढ़ते हो तो उसमें आपको पता चलता है कि कंप्यूटर जो है जैसे हम इंग्लिश कंसिडर करते हैं उर्दू करते हैं देन वी हैव हिंदी देन वी हैव जर्मन और स्पेनिश जैसे ये लैंग्वेज इंसानों के लिए हैं कंप्यूटर के लिए भी इसी तरह लैंग्वेजेस हैं जिस जिसको हम कोड कोडिंग होती है जिसकी ठीक है डिफरेंट हर लैंग्वेज की डिफरेंट कोडिंग होती है तो जब आप वो लैंग्वेज सीखते हो तो यू नो हाउ टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर या फिर आपने उसको कौन सी इंस्ट्रक्शन किस तरह से देनी है अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं आती होगी यू वॉन्ट बी एबल टू गिव एनी इंस्ट्रक्शन या फिर आप उसका दिया हुआ मैसेज नहीं पढ़ सकते हो अगर आप उसको डिवेलप कर रहे हो तो उसी कोडिंग के थ्रू वो अपनी लैंग्वेज को हमारे लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करता है जो हेलो है अगर मैं हेलो बोल रही हूँ या लिख रही हूँ तो वो हेलो कंप्यूटर लैंग्वेज में उसका डिफरेंट कोड होगा तो अब आपने हमने बात कर ली है डेवलपमेंट की और कोडिंग की प्रोग्रामिंग की आपको ये सारी चीज़ें पता होती हैं ठीक है थीके? आपने सीखनी होती हैं वो चीज़ें तो अगर आपके स्किल्स ऐसे हैं आपका इंटरेस्ट इस तरह का है तो यू कैन ईजिली अचीव गुड ग्रेड्स और ऑब्वियसली आप उसको प्रैक्टिकली भी बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो और कुछ चीज़ें जो इसमें बहुत ज़रूरी होती है और जो आप सीखते हो उसमें आ जाता है डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर आप इसको आर्किटेक्चर का आपको पता है अबाउट मेकिंग बिल्डिंग्स और हाउसेज और इस तरह की चीज़ें कंस्ट्रक्शन में आता है तो जब हम वेब डेवलपमेंट में आते हैं या फिर इस तरह के किसी फील्ड में आते हैं तो इसमें भी आर्किटेक्चर होता है आर्किटेक्चर मीन्स कि उसका जो डिज़ाइन है वो क्या होगा उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा वेबसाइट का या उस सॉफ़्टवेयर का तो वो डिसाइड करना भी जो है वो इस इसका पार्ट होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फिर आता है डीबगिंग डीबगिंग क्या है कि अब वो अपने ही लिखे हुए या किसी के लिखे हुए कोड को डीबग करते हैं उसमें एरर्स फाइंड करने के लिए और इम्प्रूवमेंट का जहाँ पे कहीं मार्जिन है वो ढूंढते हैं और फिर उसको मज़ीद इम्प्रूव किया जाता है तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कोर्स आ जाती है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर आपने जो कोड लिखा है उसको आप डॉक्यूमेंट इतने अच्छे तरीके से करते हो और डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी नेसेसरी कि अगर आपने वो चीज़ उस कंपनी के लिए बनाई है यू वर वर्किंग फॉर देम फिर आप उसको छोड़ गए हो उनके लिए तो अगर वो अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो जो भी आपकी रिप्लेसमेंट होगी जो भी आपकी जगह कोई बंदा आएगा वो उसको अच्छे तरीके से स्टडी नहीं कर पाएगा उसको पढ़ नहीं सकेगा आप उसको कन्वे नहीं हो सकेगा कि आपने इसको किस तरह से बनाया है इसको किस तरह से स्ट्रक्चर किया हुआ ऑर्गेनाइज किया हुआ है और उसमें वो शायद ये कर भी ले सारा कुछ लेकिन उसमें उसको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जिसमें आप प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट करते हो ताकि अगले बर्डे को पता चल जाए कि जी आपने जो भी चीज़ की है उसका प्रोसीजर क्या है और उसके पीछे आइडिया क्या है और Uh, उसकी डिटेल्स जो है वो सारी उसमें लिखी हुई होती है ठीक है वन ऑफ द वेरी लास्ट थिंग्स बट वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑल्सो एलगोरिदम एलगोरिदम की जब भी बात आती है तो मैं आपको एग्जांपल यूट्यूब की या सोशल मीडिया की देती हूँ क्योंकि वो हम सब के यूज में है अगर आप कभी भी जाते हो अगर आप इफ़ यू आर रनिंग अ पेज और uh, YouTube चैनल तो आपको पता होगा कि algorithm जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है जिसमें वो आप जो यूज़र्स हैं जो आप लोगों के व्यूअर्स हैं उनके डेटा को कलेक्ट करता है कौन किधर से है किसके कितने मतलब वो उसका इंटरेस्ट क्या है फिर वो किस जगह से है और उसका जो डे पूरा है जो पूरे दिन का उसकी <clears throat> क्या मैंने कहना था हाँ वट हिज़ होल डे टिपिकली फील्स लाइक वो कब उसकी एक्टिविटी ऑनलाइन ज़्यादा होती है और कब कम होती है तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये भी बहुत मैटर करती हैं तो ये एलगोरिदम जो है अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करो तो एलगोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाया गया है कि वो कंप्यूटर जो है वो ख़ुद से सारी चीज़ें प्रोटेक्ट करता है और आपको रिज़ल्ट उसके दे देता है तो इसकी भी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सो आई होप हमने आपको इतनी डिटेल में और आसान वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की आपको समझ आई होगी तो अब अगर आपको शौक है इस चीज़ का तो आपको कुछ हद तक अंदाज़ा हो गया हो okay? गया कि वट डज अ सॉफ्टवेयर डिवेलपर डू और सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट में अगर आपने जाना है आपको किन सब्जेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है आपके इंटरेस्ट किस चीज़ में होने चाहिए स्किल्स कौन से होने चाहिए एंड वे वेरी आई विश यू गुड लक अगर आप इसमें जाना चाहते हो या इसके थ्रू काम कर रहे हो और यू नीड टू डू इज हार्ड वर्क एंड पुट सम एफर्ट्स इन इट और जब आप काम करते जाओगे बाय द टाइम यू विल डू ग्रेट इंशाल्लाह तो आई होप के हमने जो भी आपको बताया है वो थोड़े बहुत इन्फॉर्मेटिव भी था एंड हेल्पफुल भी था थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो आल्सो कमेंट बिलो इफ़ यू हैव एनी सजेशंस और कंप्लेंट्स और आप हमें रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि आप अगर किसी स्पेसिफिक करियर के बारे में जानना चाहते हैं तो हम उस फील्ड के बारे में या करियर के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज बाय